21 जुलाई 1969 सुबह 8:26 वो समय था जब पहली बार इंसान ने पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे नेचुरल स्पेस ऑब्जेक्ट पर कदम रखा था। ये ऑब्जेक्ट हमारा एकमात्र उपग्रह चंद्रमा था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि नासा ने ह्यूमन लैंडिंग के लिए चंद्रमा का ही चयन क्यों किया और क्या नासा अब कभी दोबारा चंद्रमा पर जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। स्वागत है आप सभी का रहस्य टीवी में और मैं हूं कुलदीप। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सच कहा जाए तो नासा का इंसानों को चंद्रमा पर भेजना असल में किसी साइंटिफिक पर्पज के लिए था ही नहीं। दरअसल 20वीं सदी में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के मध्य स्पेस वॉर चल रही थी। दोनों ही देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे, लेकिन इस रेस में सोवियत यूनियन लगातार बढ़त बनाए हुए था। सोवियत यूनियन ने पहले 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया और उसके बाद 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन को अर्थ ऑर्बिट में भेजकर नासा को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। इस रेस में सोवियत यूनियन एक तरफा जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था। ऐसे में नासा के ऊपर कुछ बहुत बड़ा करने का दबाव था, क्योंकि ये उसके अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। इसलिए नासा ने चंद्रमा को चुना, क्योंकि हमारे सबसे नजदीक स्थित नेचुरल ऑब्जेक्ट चंद्रमा ही है, जिस पर पहुंचने के लिए दूसरे प्लैनेट्स या उपग्रहों की तुलना में अपेक्षाकृत कम समय और कम टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। 21 जुलाई 1969 को नासा ने चंद्रमा पर ह्यूमन लैंडिंग करवा के स्पेस रेस बहुत हद तक जीत ली थी। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने भी चंद्रमा पर ह्यूमन लैंडिंग करवाने के बहुत से प्रयास किए थे, लेकिन कभी टेक्नोलॉजी फेलियर तो कभी दूसरे कारणों की वजह से सोवियत यूनियन को बार बार अपने मिशन कैंसिल करने पड़े और अंत में सोवियत यूनियन ने मून लैंडिंग का विचार त्याग कर अपना सारा ध्यान अर्थ को ऑर्बिट करने वाले स्पेस स्टेशन के निर्माण पर लगा दिया। उधर नासा ने 1969 से 1972 के बीच करीब 6 मिशनों के जरिए 12 एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा की धरती पर लैंड करवाया। इस दौरान इन एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी के करीब 382 किलोग्राम वजनी नमूने पृथ्वी पर लाए गए, जिन पर आज भी नासा की लैबोरेटरीज में शोध कार्य चल रहा है। लेकिन चंद्रमा पर इंसानों को भेजना नासा के लिए कोई फायदे का सौदा साबित नहीं हुआ, क्योंकि इन मिशनों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट आ रही थी, जबकि आउटपुट के नाम पर केवल चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी के सैंपल ही पृथ्वी पर आ रहे थे। लेकिन ये सभी काम तो नासा अपने रोबोटिक मिशन के जरिए भी कर सकता था, इसलिए नासा ने चंद्रमा पर इंसानों को भेजना बंद कर दिया। लेकिन अब विभिन्न सैटेलाइट्स और लूनर लैंडर्स के द्वारा इस बात का खुलासा हो चुका है कि चंद्रमा की धरती खनिज संसाधनों से भरी हुई है। हाल ही में हुए विभिन्न लूनर मिशनों के जरिए ये बात पता लगी है कि चंद्रमा की धरती पर मिलियंस ऑफ टन पानी बर्फ के रूप में ध्रुवों पर मौजूद है। वहीं हीलियम 3 जैसे बेसकीमती खनिज पदार्थ भी चंद्रमा की सतह पर पाए गए हैं, जिनसे यूरेनियम से भी ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए अब नासा चाहता है कि वो चंद्रमा पर दोबारा जाए। लेकिन इस बार नासा चंद्रमा पर सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाएगा। दरअसल चंद्रमा पर मिले पानी और हीलियम 3 की वजह से एक नई संभावना उभर कर सामने आई है, क्योंकि पानी का उपयोग एस्ट्रोनॉट के पीने के लिए तथा उनके भोजन के लिए सब्जियां उगाने में किया जा सकता है। वहीं इसी पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में तोड़कर स्पेसक्राफ्ट के लिए फ्यूल और एस्ट्रोनॉट के लिए ऑक्सीजन का निर्माण भी आसानी से किया जा सकता है। वहीं हीलियम 3 से भी पर्याप्त मात्रा में एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए अब नासा चंद्रमा का उपयोग करके मंगल ग्रह तक जाना चाहता है। नासा चंद्रमा के चारों ओर एक ऐसे स्पेस स्टेशन के निर्माण पर कार्य कर रहा है जो चंद्रमा को ऑर्बिट करेगा। इस स्टेशन को मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक स्टॉपेज के रूप में यूज किया जाएगा, यानी एस्ट्रोनॉट को पहले इस स्टेशन पर भेजा जाएगा जहां पर फ्यूल और अन्य संसाधनों की आपूर्ति करके इन्हें मंगल ग्रह की ओर रवाना किया जाएगा। साथ ही चंद्रमा को ऑर्बिट करने वाले इस स्टेशन में उन सभी नई टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट किया जाएगा जो भविष्य में इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए जरूरी होंगी। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नासा मंगल ग्रह पर जाने से पहले अपनी सारी टेक्नोलॉजी और तैयारियों को मून के थ्रू टेस्ट करना चाहता है, और अगर ये टेक्नोलॉजी सफल होती है तो हमें जल्द ही मून और मार्स पर इंसानी हलचल देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि नासा ये सब कैसे पूरा करेगा। नासा के इस पूरे मिशन को ओरियन स्पेसक्राफ्ट और स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के द्वारा पूरा किया जाएगा।
ओरियन स्पेसक्राफ्ट एक डीप स्पेस कैप्सूल है जो करंटली अंडर डेवलपिंग फेज में है। इस स्पेसक्राफ्ट को डीप स्पेस में यात्रा करने के लिहाज से ही डिजाइन किया जा रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट में 4 क्रू मेंबर को डीप स्पेस यानी अंतरिक्ष में लंबी दूरियों की यात्रा पर भेजा जा सकता है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट के जरिए ही लूनर ऑर्बिट प्लेटफॉर्म गेटवे या चंद्रमा को ऑर्बिट करने वाले स्पेस स्टेशन के प्रत्येक पार्ट को सिस लूनर स्पेस तक पहुंचाया जाएगा और इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए उन सभी मॉड्यूल और एलिमेंट्स को असेंबल भी किया जाएगा। ओरियन को नासा के सबसे पावरफुल रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जून 2020 में एक्सप्लोरेशन मिशन फर्स्ट के जरिए ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। ये मिशन 3 वीक का होगा जिसमें ओरियन स्पेसक्राफ्ट मून का एक चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर आएगा। समय के लिहाज से एक्सप्लोरेशन मिशन फर्स्ट आज तक का सबसे लंबा डीप स्पेस मिशन होगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ओरियन कैप्सूल को डीप स्पेस में टेस्ट करना है ताकि अगर इसके निर्माण में कुछ तकनीकी खामियां रह जाएं तो इस टेस्टिंग प्रोसेस के जरिए उनका पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सके। एक्सप्लोरेशन मिशन फर्स्ट को नासा के SLS रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया जाना था लेकिन ताज़ा अपडेट्स के अनुसार नासा का SLS रॉकेट अभी भी अंडर डेवलपिंग फेज में ही है और इसे पूरी तरह से तैयार होने में तय समय सीमा से भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेनस्टाइन ने 13 मार्च को हुई एक मीटिंग में ये संकेत दिए थे कि EM फर्स्ट मिशन को तय शेड्यूल पर ही लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि नासा EM फर्स्ट मिशन के लिए किसी कमर्शियल रॉकेट को हायर कर सकता है। हालांकि नासा ने अभी तक ऑफिशियली किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है लेकिन ओरियन कैप्सूल की क्षमताओं को देखते हुए नासा के पास केवल 2 ऑप्शन या तो SpaceX का फोल्कन हैवी या Delta IV हैवी रॉकेट ही बचते हैं। 2022 में एक्सप्लोरेशन मिशन सेकंड के जरिए नासा ओरियन कैप्सूल को दोबारा से चंद्रमा पर भेजेगा लेकिन इस बार ये कैप्सूल अनक्रूड ना होकर क्रूड होगा, यानी इस बार ओरियन कैप्सूल के द्वारा एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा तक भेजा जाएगा। इस मिशन में भी ओरियन कैप्सूल चंद्रमा का एक चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर लौट आएगा क्योंकि इस मिशन का उद्देश्य भी सिर्फ SLS रॉकेट और ओरियन कैप्सूल की क्षमताओं को टेस्ट करना ही है। EM सेकंड मिशन के कुछ समय बाद ही यानी दिसंबर 2022 में लूनर गेटवे का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा। दिसंबर 2022 में ओरियन कैप्सूल के द्वारा लूनर गेटवे का पहला एलिमेंट पावर एंड प्रोपल्शन एलिमेंट को लॉन्च किया जाएगा। लूनर गेटवे का ये पार्ट गेटवे के बनने से लेकर उसके ऑपरेट रहने तक पूरे गेटवे को पावर, प्रोपल्शन और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाएगा। पावर के लिए इसमें सोलर एरे तथा प्रोपल्शन के लिए 4 एडवांस सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन थ्रस्टर का यूज किया गया है जो पूरे गेटवे को लंबी दूरी तक मूव कर पाने में सक्षम होंगे। इस एलिमेंट को पूरे 1 साल तक पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सिस लूनर स्पेस में टेस्ट किया जाएगा। पावर एंड प्रोपल्शन एलिमेंट के डिलीवर होने के बाद इस गेटवे का दूसरा एलिमेंट हैबिटेट मॉड्यूल डिलीवर किया जाएगा। इस मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट के रहने और प्रयोग करने के लिए पर्याप्त जगह होगी। 2023 में नासा मून पर रोवर की टेस्टिंग करेगा। दरअसल नासा विभिन्न प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर ऐसे रोवर का निर्माण कर रहा है जो अपने साथ विभिन्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेकर जा सकें। 2023 में नासा इन्हीं रोवर्स को मून पर लैंड करवाकर उनकी टेस्टिंग करेगा। एक बार लूनर गेटवे का पूरी तरह निर्माण हो जाने के बाद एस्ट्रोनॉट्स लूनर गेटवे से ही इन रोवर्स को रियल टाइम में ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही इन्हीं रोवर्स की हेल्प से वाटर आइस को पीने योग्य पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट के लिए फ्यूल में बदलने का टेस्ट भी किया जाएगा। अगर ये टेस्ट सफल होते हैं तो भविष्य में लूनर सरफेस पर बड़े बड़े प्लांट्स स्थापित करने पर भी विचार किया जाएगा जहां वाटर आइस को ऑक्सीजन, फ्यूल, हाइड्रोजन और पानी में बड़े लेवल पर बदला जा सकेगा ताकि भविष्य में मार्स पर जाने के लिए मून को एक स्टॉपेज के रूप में यूज किया जा सके। 2024 में तीसरा एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के जरिए पहला क्रू लूनर गेटवे तक जाएगा और वहां कुछ समय बिताकर वापस लौटेगा। 2024 में ही नासा लूनर लैंडर सिस्टम की भी टेस्टिंग करेगा। इसके लिए नासा विभिन्न अमेरिकन कंपनीज के साथ मिलकर एक नए ह्यूमन लूनर लैंडर सिस्टम का भी निर्माण कर रहा है जिसे 2024 में एक प्राइवेट रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। 2024 में नासा इस लैंडर के सिर्फ डिसेंट एलिमेंट को टेस्ट करेगा, यानी इस लैंडर की उस प्रक्रिया का टेस्ट करेगा जो इसे मून की सरफेस पर उतारने में हेल्प करेगी। ये टेस्ट उन 2 टेस्ट में से पहला टेस्ट होगा जो किसी इंसान को चंद्रमा की सतह पर भेजने से पहले किए जाएंगे।
2026 में नासा दोबारा से लूनर लैंडर को मून की सरफेस पर लैंड करवाएगा, लेकिन इस बार इस लैंडिंग सिस्टम के असेंट एलिमेंट, डिसेंट एलिमेंट, सरफेस स्पेस सूट, ट्रांसफर व्हीकल और रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज का भी टेस्ट किया जाएगा। यानी दूसरी अनक्रूड लैंडिंग में नासा लूनर लैंडर के पूरे सिस्टम को चंद्रमा की सतह पर टेस्ट करेगा। इसी बीच गेटवे के निर्माण की प्रोसेस भी चलती रहेगी। फर्स्ट क्रू के गेटवे को विजिट करने के बाद इस गेटवे को एक कार्गो मॉड्यूल डिलीवर किया जाएगा, जो क्रू को एडिशनल लिविंग स्पेस और एडिशनल सप्लाईज प्रोवाइड करवाएगा। इस मॉड्यूल में एक रोबोटिक आर्म भी शामिल होगा, जो दूसरे मॉड्यूल से भी आसानी से कनेक्ट होकर गेटवे के निर्माण में हेल्प करेगा। इसके बाद इस गेटवे को एक यूटिलिटी मॉड्यूल भी डिलीवर किया जाएगा, जो नासा को इस मिशन में शामिल उसके इंटरनेशनल पार्टनर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि क्रू को न्यू टेक्नोलॉजी टेस्टिंग इक्विपमेंट और अन्य कार्यों के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिल सके। सबसे अंत में लूनर गेटवे को एयरलॉक डिलीवर किया जाएगा। इसके बाद रोबोटिक आर्म सभी जरूरी इक्विपमेंट को एडजस्ट करके इस पूरे गेटवे को कंप्लीट करेगा। 2028 तक लूनर गेटवे पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और नासा दोबारा से मून पर कदम रखने के लिए तैयार होगा। 2028 में एस्ट्रोनॉट इसी गेटवे से लूनर लैंडर की हेल्प से मून की सरफेस पर लैंड कर पाएंगे, जहां एस्ट्रोनॉट 7 दिनों तक का समय बिता सकते हैं और अपनी रिसर्च पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी गेटवे पर ऐसे सिस्टम और टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट किया जाएगा, जो भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स को यहीं से मार्स और किसी एस्ट्रॉयड की सरफेस पर ले जा सके। ये गेटवे एस्ट्रोनॉट को रहने और काम करने के लिए 30 दिन से ज़्यादा समय तक का सपोर्ट कर पाएगा। उसके बाद रीसप्लाई मिशन के द्वारा इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले शनिवार को शाम 6 बजे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।